हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीजी का जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट के जो रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं। कुछ जो सब्जेक्ट अगर रह गए हैं तो वो भी बस एक दो दिन में आ ही जाएंगे। तो जो अभी आ गए हैं रिजल्ट, उनकी च्वाइस फिलिंग का भी ऑप्शन आ गया है। देखिए, मार्कशीट अपलोडिंग का मैंने आपको बताया था कि जो मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसको आपको कर देना है टाइम के पहले ही। उसके बाद उसके जस्ट बगल में ही च्वाइस फिलिंग का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है कई लोगों को। च्वाइस फिलिंग में ऐसा हो रहा है कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं और उसके बाद पासवर्ड डाल रहे हैं, कैप्चा कोड डाल रहे हैं, बट उसके आगे जा करके फिर वहाँ पे फीस के लिए आ रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसीड करना है, 200 रुपये पड़ रहे हैं। तो उसके आगे जाने के बाद कार्ड नंबर डाला जा रहा है, CVV, ये सब प्रोसीजर करने के बाद क्या हो जा रहा है, किसी किसी का तो आगे बढ़ रहा है, किसी किसी का जो ये अकाउंट नंबर है, जो भी हमारा कार्ड नंबर है, वो इनवैलिड बता रहा है, बल्कि वो सही है, वैलिड है। और किसी का हो के पैसे कट जा रहे हैं बट उनकी च्वाइस फिलिंग नहीं हो पा रही है, और मतलब किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ है, पैसे कट गए हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैसेज आए हैं। इस वजह से इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक किसी चीज़ पे बात बताने वाली हूँ कि च्वाइस फिलिंग में जिसका जिसका भी कट चुका है पैसा, और क्या लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, आपने ये च्वाइस फिलिंग की है अभी तक या नहीं की है, और जो पैसा कटा है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, और आपका अगर कट चुका है वापस नहीं आया है तो आपकी च्वाइस फिलिंग का ऑप्शन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा क्योंकि मैंने आगे शो किया है, ठीक। सो सबसे पहले हम चलिए क्रोम पे ही चलते हैं डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर आपको सर्च करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी। आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च जब करेंगे, यहाँ पे सर्च करने के बाद ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपने सर्च किया, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ पे आप जाएंगे। इसको सर्च करने के बाद फिर यहाँ पे जो ये एडमिशन एग्जामिनेशन इसके प्रोसेस आ रहे हैं, जो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एडमिशन पे, आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग LLM LLB लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये जो पूरा प्रोसीजर आता है कि कट ऑफ के बारे में है, और मतलब फ़ी सबमिशन है, सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन से हैं पीजी प्रोग्राम्स में, इन सब के बारे में, ठीक है, मेरिट लिस्ट है, पीजी काउंसलिंग है, इन सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो नीचे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, नीचे में जो ऑप्शन आए हैं, यहाँ पर आया है च्वाइस फिलिंग, है ना। ये जो च्वाइस फिलिंग है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ रहा होगा। देखिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से यहाँ पे जा करके आप डेस्कटॉप साइट खोल लीजिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपकी डेस्कटॉप साइट नहीं खुली होती है, ऐसे लैपटॉप का इंटरफेस आ जाता है, खुल के कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। फिर ये पासवर्ड वगैरह करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, फिर देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुल के आ रहा होगा। यहाँ पे ये लिखा है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा बट ये चीज़ नहीं लिखी होगी। यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, ये यहाँ पे मेरा जो सीट है वो लॉक, मतलब अलॉटमेंट लॉक हो चुका है यहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आता होगा, यहाँ पे लिखा होगा बहुत सारा हेल्पलाइन नंबर वगैरह, और जस्ट नीचे लिखा होगा यहाँ पे कि वो प्रोसीड करना है 200 रुपये। प्रोसीड करने के बाद आपका वो डालने के लिए आ रहा होगा, बट वहाँ पे प्रॉब्लम आ जा रही है, प्रोसीड आगे नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का तो कट चुका है, ठीक है, मतलब पैसा कट गया है। तो देखिए सबसे पहली बात, मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ, या तो फिर आप कैफ़े में जा करके करवा लीजिए वहाँ से, क्योंकि कैफ़े में जा करके आप सिस्टम से करवाएंगे तुरंत आपका हो जाएगा, ना ही पैसा आपका कटेगा, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी आपका। अगर कटेगा तो आगे आपका प्रोसीजर हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल से कर रहे हैं तो देखो मोबाइल से प्रॉब्लम हो रही है, अगर घर में सिस्टम है तो आप सिस्टम से करिए, ज़्यादा बेटर है। जिस जिसके पैसे कट चुके हैं उनको क्या करना है, वो परेशान बिल्कुल ना हो, उनका
हो चुका है, अगर पैसे उनके कट चुके हैं और उनका प्रोसीजर नहीं हुआ है तो परेशान ना हो, उसको 2-3 बार खोल के देखिए, उसका हो जाएगा ज़रूर से, क्योंकि ऐसा हो चुका है, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, तो उसने भी किया है। उसने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करी थी, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको उनको देना है, पासवर्ड दे देना है, उसके बाद वो खुद ही बता देंगे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया है, तो आप आगे प्रोसीड करके देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा, प्रेफरेंस डालना होगा आपको, जिस भी सब्जेक्ट से आपने एंट्रेंस दिया है और यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस लेना है या कौन से कॉलेज लेना है, वो तो प्रेफरेंस 3 आएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने बॉटनी है, फिर माइक्रोबायोलॉजी है, फिर प्लांट साइंस, तो ऐसे प्रेफरेंस आएगा आपकी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको पहले में डालना है, फिर माइक्रोबायोलॉजी डालना है, फिर प्लांट साइंस डालना है, क्लियर है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। 3 प्रेफरेंस में है, अगर आपका एक ही है तो एक ही आपका ऑप्शन आएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इसको करके तुरंत आगे सेव एंड प्रोसीड करने का ऑप्शन आएगा, सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपका लॉक करने का आएगा, तो उसको आप लॉक कर दीजिएगा और कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, उसके बाद ये प्रिंट प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशंस लिस्ट में आप टिक कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, इसमें आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रेफरेंसेज हैं आपके और क्या आपका आगे काम होएगा, ठीक है। तो इतना फिलहाल आपको करना है, नहीं होता है बच्चों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको मैं तुरंत आपको क्लियर कर दूंगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा या फिर आप इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, अंकिता एडू करके हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है, ठीक है। तो आप उस पर भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस पर भी आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक। तो परेशान मत होइएगा कि आज लास्ट डेट है मिडनाइट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिडनाइट तक आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका नहीं भी होएगा, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक दो दिन आगे भी काउंसलिंग वो चॉइस फीलिंग बढ़ सकती है, ओके। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।